गाइस, आज बारी है कुछ क्रेजी करने की, वास्तव में कुछ क्रेजी करने की। और भाई साहब, आज जो होने वाला है वो सच्ची मुच्ची में क्रेजी होने वाला है। अब आप कहोगे कि भाई आप इतना क्यों बोल रहे हो, क्रेजी क्रेजी ऐसा क्या है? तो गाइस, जो गाड़ी है उसमें जो टायर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और ट्रैक्टर के अंदर जो टायर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन कितना क्रेजी होगा अगर गाड़ी के अंदर ये ट्रैक्टर वाले बड़े बड़े साइज के मॉन्स्टर टायर्स लगा दी जाए तो? गाइस, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? गाइस यार, अपने दुनिया में, अपने यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है, सब कुछ होता है, होता रहेगा। गाड़ी के अंदर लगाएंगे बड़े ट्रैक्टर वाले टायर, फिर देखते हैं कि गाड़ी का जो लुक है वो कैसा दिखेगा, और जो गाड़ी है वो चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। इसलिए दो ट्रैक्टर यहाँ पर तैयार हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम गाड़ी के अंदर ट्रैक्टर के ये वाले टायर लगाने वाले, तो गाइस आप गलत हैं। हम लगाएंगे ये वाले बड़े वाले टायर। तो सब लोग, अब भाई प्लीज, सब लोग यार, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी ये सब कुछ करने में। और साथ ही साथ में ऐसी और मजेदार वीडियो आती रहेंगी यार। हमारी मेहनत के लिए भी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। धूप में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे था कि आपको कुछ नया दिखा सके, कुछ क्रेजी कर सके। तो सब लोग प्लीज यार हमारी फैमिली से जुड़िए गाइस। वैसे जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है सभी को थैंक यू सो मच, जिन्हें नहीं किया भाई आप भी कर लो यार। फटाफट से शुरू करते हैं भाई। भाई गाड़ी में ट्रैक्टर के टायर लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें दोनों ट्रैक्टर्स के चारों जो टायर्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। एक में दो है, पीछे वाले बड़े वाले, तो इसलिए हमारे दोनों ट्रैक्टर्स के सारे टायर निकाल लेंगे। फिर जो गाड़ी है उसके टायर निकालने पड़ेंगे और उसमें ये फिट करने पड़ेंगे। बारिश रुक गई है भाई, अभी बारिश आ गई थी, हम लोग को जो है भागना पड़ गया। ये पत्थर लगाएंगे क्योंकि ट्रैक्टर किसी चीज़ पर तो टिका रहेगा। इसको ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि जो टायर्स हैं वो निकाल सके। बीच में जैक लगा दिया, दोनों साइड से उठा लेंगे। फिर थ्री टू वन गो। तो गाइस यहां पर चारों जो टायर हैं वो निकल चुके हैं ट्रैक्टर्स के। दोनों ट्रैक्टर जो हैं वो पत्थरों के ऊपर खड़े हुए हैं फिलहाल। और भाई ये जितना आसान दिखता है ना, चार ट्रैक्टर के बड़े टायर खोलना उतना नहीं है। इसमें बहुत मुश्किल से बोल्ट खुलते हैं, बहुत भारी भारी बोल्ट होते हैं। चलो गाइस, अब हमारे पास में जो टायर्स हैं वो तैयार हैं। भाई अपना अपना उठा लो टायर। भाई टायर तो निकल गए, लेकिन जो गाड़ी होती है उसके टायर के अंदर चार बोल्ट होते हैं जो कि पास पास होते हैं। जो ट्रैक्टर है उसका जो है टायर, उसके अंदर आठ बोल्ट होते हैं जो कि दूर दूर हैं। देखो आप लोग, यहाँ पर आठ हैं और दूरी दूरी पर हैं। तो भाई उतना आसान नहीं है, ये जो टायर है ये सीधा का सीधा फिट नहीं होगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर चार ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लिए हैं जिनका यूज़ हम करेंगे कनेक्टर के रूप में। ये जो है ज्वाइंट करेगा, ये जो साइड है ये लगेगी गाड़ी के अंदर। इसके अंदर चार छेद हैं पास पास, बीच में एक मजबूत पाइप है, इस साइड में दूसरी प्लेट है जिसमें आठ छेद हैं जो कि इस ट्रैक्टर के टायर में लगेगी। और यहाँ पर हमने इसको दोनों साइड से वेल्ड कर दिया। भाई इसमें भी बहुत टाइम लगा है, छेद वेद करवाने पड़े हैं इसके अंदर, वेल्ड हमको करना पड़ा है। और ये बहुत भारी भी है क्योंकि हैवी चाहिए है। तो अब जो है भाई फिट करना स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को ऊंचा उठाते हैं, उसके टायर्स निकालते हैं, ये स्ट्रक्चर फिट करते हैं जो कनेक्टर है, और उसके बाद में जो ट्रैक्टर के टायर्स हैं वो फिट करते हैं।
गाइस फिलहाल जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है 1:31 रात का, और हम लोग जो है लगे हुए ही हैं, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, अभी जो है फिनिश करना चाहते हैं भाई, क्या बताएं यार, क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो ये पता नहीं कितना टाइम खा जाएगा हमारा। तो भाई फाइनली कई दिन रात मेहनत करने के बाद में जो चीज बनी है वो तैयार हो चुकी है और अब बारी है आपको दिखाने की। तो गाइस यहाँ पर है हमारी मॉन्स्टर कार। पहले मुझे नहीं पता था कि इसका नाम मॉन्स्टर कार रहेगा, लेकिन गाइस जब इसमें ट्रैक्टर के टायर्स लगे उसके बाद में ये हो गई है बहुत ही मॉन्स्टर, बहुत ही जबरदस्त। और भाई साहब इसका लुक देखो, एक बार इसका लुक देखो भाई, इसका लुक देखो, क्या लगती है भाई, ये क्या चीज लगती है, ये जबरदस्त वाली। एक बार उस साइड से भी दिखा दो भाई, चारों तरफ से जो गाड़ी का लुक सेम है, हमने एक टायर चेंज नहीं किया, दो नहीं किया, हमने सारे के सारे जो टायर्स हैं वो चेंज कर डाले हैं, दिन रात लग के भाई हालत आप देख सकते हो क्या हो गई है, लेकिन फाइनली जो चीज है वो बन के तैयार हो चुकी है। और अब इस चीज के लिए भाई, इस चीज के लिए अब सब लोगों का वीडियो के लिए लाइक करना जरूर से बनता है भाई, मेहनत लगती है यार ये सब करने में, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके लिए तो बनता है यार ये करना, आप खुद देख लो गाइस, मुझे कुछ नहीं कहना, हमारी मेहनत यहाँ पे है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो के लिए लाइक कर दो यार भाई, यार इतना कितना बताओ यार, कर दो यार प्लीज। तो अब जो है बारी है इसको चेक करके देखने की, इसको चला करके देखने की कि क्या ये चल पाएगी या नहीं, और चल पाएगी तो चलते टाइम ये कैसी लगेगी। भाई सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का लुक देखो, यहाँ पर सामने से जो फीलिंग आती है देखो यार क्या दिख रहा है सामने से और इस साइड से भी जो है सेम टू सेम है, जैसा उधर है वैसा ही इधर है, अब एकदम तैयार है, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए इसकी जो बैटरी के टर्मिनल है उनको टच करना पड़ेगा, मैं बैठता हूँ भाई अंदर और देखते हैं कि ये कैसी चलती है। तो भाई अरे गाइस एक चीज मैंने अभी नोटिस करी दोस्तों, इस गाड़ी की एक सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें चढ़ना नॉर्मल गाड़ी की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट देखो गाइस, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया भाई अरे यार कम से कम ये जो है 2 feet, लगभग 2 feet ऊपर है जमीन से, इतना तो किसी गाड़ी का, किसी ट्रक या बस का भी नहीं होता इतना ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस होता है जमीन से यहाँ की हाइट, तो आप समझ सकते हो चाहे कितना ही बड़ा ब्रेकर हो, चाहे कितना ही ऊंचा पत्थर हो, ये चढ़ जाएगी नीचे से कभी टच नहीं होगी लेकिन वहीं पर गाइस इसमें चढ़ने में भी अब थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब हम इसके अंदर चढ़ेंगे तो ये बहुत ऊंचा है भाई, और इस पे ऐसे चढ़ना पड़ेगा, देखो मेरा पैर जो है वो किस तरीके से हो गया, और अरे भाई बहुत ऊपर बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सफारी में बैठा हूँ या सफारी से भी ऊंचा बैठा हूँ, जबकि बहुत नीची गाड़ी है। तो गाइस गाड़ी में अंदर आकर के जो है अच्छा लग रहा है, बस गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बैटरी टर्मिनल जोड़ो जरा, और गाड़ी हो गई है स्टार्ट भाई, बंद करो बंद करो, गाड़ी को नहीं बोनट बंद करो तो भाई उत्तरी, और इस गाड़ी की चौड़ाई बढ़ गई है भाई, चौड़ाई बढ़ गई गाड़ी की, चलो पहला गियर डालते चलाए क्या, चलो गाड़ी चलाना स्टार्ट करते यहाँ पे, और मुझे बहुत अलग फील आ रही है भाई, चलो बहुत अलग फील आ रही है मुझे, ओए ओए चल गई भाई, पहले गियर में नॉर्मल चल रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतना नॉर्मल चल रही है फर्स्ट गियर में, और स्टीयरिंग एक बार स्टीयरिंग देखो गाइस, मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूं प्रॉपर एकदम, चलो भाई चलाते हैं इसको, और
यार लोड मान रही है गाड़ी, क्योंकि टायर, एक तो टायर वैसे ही बहुत भारी है और टायर का साइज इतना बड़ा है, नॉर्मल टायर जितना रोटेशन मारता है इससे बहुत ज्यादा मार रहा है। भाई साहब गाड़ी चल रही है, क्या बात है। अरे यार ये टर्न लेगी क्या? नहीं, ओ बॉय बॉय बॉय। गाइस ये योर वन इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई। ओहो ब्रेक भी लग रहा है भाई। अब इसको घुमाते हैं भाई, इसको घुमाना बहुत बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर है क्योंकि टायर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर मुझे लगता है सक्सेसफुली मैंने घुमा तो लिया है इसको। और गाइस चल रही है भाई, गाड़ी चल रही है यार। इंजन इसका छोटा सा है, ट्रैक्टर के टायर्स बहुत बड़े हैं, ट्रैक्टर में पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब पावर तो इतनी होती है लेकिन टॉर्क जो है ना वो बहुत ज्यादा देता है। रोड पर सही चल रहे हैं तो गाइस वो चल गई गाड़ी। भाई साहब यहाँ पर जो गाड़ी है वो चल रही है फिलहाल। तो गाइस फिलहाल जो है बहुत तेज स्मेल आने लग गई, एक बार गाड़ी को बंद करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। ओ भाई जो गाड़ी है वो वहां से चल के यहाँ पर आ गई है इन टायर पर। भाई सोचो, मुझे नहीं पता ये बाहर से कैसी दिख रही होगी लेकिन गाड़ी को पावर बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, जो नॉर्मल में होता है ना भाई उससे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। आप लोग देख सकते हो गाड़ी ऐसे की ऐसी है, हमने जो चीज़ें लगाई हैं वो इतनी मजबूत एकदम सटीक निकली है कि सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। भाई अब गाड़ी भी इतने बड़े टायर लगा दोगे तो ये तो उसका छोटा सा इंजन होता है यार। चलो अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद में और चलाते हैं। ये तो गिर गई है भाई साहब। The next day. मस्त चले गाड़ी, बताओ गाड़ी का ट्रैक्टर का टायर लगा दिया। बस अब मैं चलाऊंगा, चाल है देखना, चेक तो करा। दोस्तों अगर इतनी आसानी से सारी चीजें हो जाए तो भाई हमारा काम ही क्या रहेगा, मुश्किलें आती रहती है, दिक्कतें आती रहती है। हमारा ये जो टायर था भाई ये वाला यहाँ से टूट गया और फिर से चैलेंजेस शुरू हो गए। फिर पूरी रात लग करके हमने दोबारा से इसकी जो है डिजाइनिंग करी, यहाँ पे चार सपोर्ट्स हमने और लगाए हैं आप लोग देख सकते हो, और इसको और ज्यादा मजबूत किया है। और अब बारी है इसको चला करके देखने की। हम इसको चला करके रोड पे ले आए हैं और भाई यहाँ तक एकदम परफेक्ट चली है। ये वाला टायर थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हो गया है लेकिन आप ये समझ सकते हो कि ये जो आधा किलोमीटर चल के आ गई है, कल ये जो है लगभग 40-50 फीट ही चली थी लेकिन आज ये आधा किलोमीटर चल चुकी है। चलो अब इसको भाई थोड़ा सा रोड पर भी चलाते हैं और देखते हैं कि ये कैसी लगती है। भाई लुक तो इसका यार खतरनाक, एक बार लुक देखो। और मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में इधर उधर टकरा रहा हूँ लेकिन भाई कोई बात नहीं, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई चलते हैं रोड पर चलाते हैं, चलो। तो भाई आपने देखा कि कितना मस्त तरीके से जो गाड़ी है वो बनी है, और सबसे खास बात है इस गाड़ी का लुक कितना जबरदस्त दिखा। लेकिन गाइज ये जो आपने देखा इसके बाद में जो हुआ वो हमने खुद ने भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ हो जाएगी, और उसकी वजह से हमको इस वीडियो को दो पार्ट में बनाना पड़ रहा है। एक पार्ट यही ख़त्म हो रहा है, अब दूसरा पार्ट जो है उसको अभी के लिए सस्पेंस ही रखते हैं क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये होने वाला है। और जो दूसरा पार्ट है वो आई एम नॉट श्योर कि वो इसी चैनल मेन चैनल क्रेजी एक्सवाईजी पे आएगा या फिर ब्लॉग चैनल अमित एक्सवाईजी पे आएगा, तो देखते हैं गाइस जिस पे भी ठीक लगेगा उस पे अपलोड कर देंगे। अगर आपने ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ भाई, वो सब्सक्राइब कर लेना और तभी पता लगेगा कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। और भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी यार इस वीडियो के लिए, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट टू उस पर आ सकता है, चांसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।